ज्ञान ज्योति कंचनपुर रसिकलाल विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई विल टीच यू एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ स्टैंडर्ड वन। ओके, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 7 चैप्टर एंड टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 8 ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर सराउंडिंग्स। ओके स्टूडेंट, सराउंडिंग्स मीन्स व्हिच वी सी अराउंड अस। ओके, हमारे चारों ओर हम जो जो चीज़ें हमें देखने को मिलता है वही हमारा सराउंडिंग्स है। ओके, इन दिस चैप्टर यू कैन लर्न अबाउट आवर सराउंडिंग्स सच एज पीपुल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फ्रेंड्स। ओके, देन आवर नेबरहुड सच एज होम, स्ट्रीट, स्कूल एंड बिल्डिंग्स, देन क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड, ऑल दिस थिंग्स यू कैन लर्न इन दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट, तो लेट अस, ऑल द थिंग्स अराउंड अस फॉर्म ए पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स। व्हिच थिंग्स वी सी अराउंड अस, सम लिविंग थिंग्स हैं, सम नॉन लिविंग थिंग्स। हम जितने भी थिंग्स हमें देखने को मिलता है, दोज थिंग्स व्हिच वी सी अराउंड अस दे आर आवर सराउंडिंग्स, उसको हम लोग सराउंडिंग्स बोलते हैं। ओके, तो बहुत सारा ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिलता है हमारे सराउंडिंग्स में। ओके, द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड। और जैसे हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारा चीज़ें देखने को मिलता है, जैसे क्या क्या देखने को मिलता है, प्लांट्स, एनिमल्स, ओके, हाउसेस, ओके, बिल्डिंग, बसेस, कार्स, ऑल दिस थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें हमारे चारों ओर देखने को मिलता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच सी अराउंड अस, हमारे सराउंडिंग्स में जैसे हमें देखते हैं प्लांट्स, पेड़ पौधे जिसको होते हैं एनिमल्स, देन हाउसेस, बिल्डिंग्स, बसेस, कार, स्कूटर एंड सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच सी अराउंड अस, और हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। ओके, सो आई वांट टू शो यू सम पिक्चर्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग्स कुछ में पिक्चर्स मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। लुक एट द पेज नंबर 39। ओके, दीज आर द पिक्चर्स व्हिच वी सी अराउंड अस, और हमारे सराउंडिंग्स में जो जो हमें यानी कि देखने को मिलता है थिंग्स, वो सब है तुम्हारा ये जो फर्स्ट पिक्चर्स देख रहे हो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये जो खेल रहे हैं ये प्ले ग्राउंड है और पार्क में भी खेलते हैं। ओके, देन ये क्या है, रोड, द स्वीपर इज स्वीपिंग, झाड़ू कर रहा है स्वीपर। ठीक है, देन थर्ड पिक्चर दीजिए, मैंगो ट्री, आम का पेड़, जिसको हम लोग आम का पेड़ बोलते हैं। ओके, देन ये है क्लासरूम, क्लासरूम में क्या करते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं। ओके, देन ये है गार्डन, जहाँ पर यानी तितली देख रहे हो, बटरफ्लाई, देन ये है बार्स, चिड़िया जिसको बोलते हैं, एंड द मैन ये क्या कर रहा है, पानी दे रहा है। ठीक है, देन ये है डॉग, तो ऑल दिस थिंग्स वी सी अराउंड अस, हमारे चारों ओर ये सब पिक्चर्स हमें यानी कि देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ओके, देन सी केयरफुली दिस पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नेम एनी सिक्स थिंग्स, तुमको छः ठो थिंग्स लिखना है दैट फॉर्म योर सराउंडिंग्स, एंड जो तुम्हारा सराउंडिंग्स में तुम लोग देखे हो उसका छः ठो नाम लिखना है। यहाँ पे ए बी सी डी यानी कि एफ तक दिया गया है, देख रहे हो, सिक्स ठो थिंग्स इसमें लिखना है कि तुम्हारा सराउंडिंग्स में क्या क्या तुम लोग देखे हो। ओके, जैसे यहाँ पे प्लांट हो सकता है, देन एनिमल्स हो सकता है, हाउसेस लिख सकते हो, बिल्डिंग्स लिख सकते हो, बसेस लिख सकते हो, कार्स लिख सकते हो, सिक्स ठो हुआ कि नहीं, ऐसे बहुत सारा चीज़ें है जो कि तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, दीज आर दी सिक्स थिंग्स दैट फॉर्म योर सराउंडिंग्स, जो कि तुम्हारे सराउंडिंग्स में ये सब देखने को मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट कम टू आवर सराउंडिंग्स, आवर नेबरहुड। ओके, आवर नेबरहुड यानी कि तुम्हारा पड़ोसी। स्टूडेंट, बिफोर डिस्कस अबाउट द नेबरहुड, आवर नेबरहुड,
डिस्कस अबाउट द नाइबरहुड, वी शुड नो व्हाट इज नाइबरहुड। इससे डिस्कस करने से पहले हमें जानना है कि नाइबरहुड क्या है, नाइबरहुड किसको बोलते हैं। ओके, तो नाइबरहुड जो है नाइबरहुड द एरिया वेयर द पीपुल हु लिव अराउंड अस और लिव अराउंड आवर हाउस, हमारे घर की चारों ओर जितने भी लोग रहते हैं उसको हम लोग पड़ोसी बोलते हैं, दे आर आवर नाइबरहुड। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइबरहुड बोलते हैं। द एरिया अराउंड आवर हाउस, हमारे घर की एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं और नाइबरहुड बोलते हैं। ओके, तो देयर आर मेनी थिंग्स लाइक पीपुल, बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे पीपुल, एनिमल्स, प्लांट्स, देन बसेस, देन स्कूटर्स, cars, houses and buildings. Okay, all these things we see in our neighborhood. यानी कि people, animals, plants, houses, scooters, cars, houses and buildings. All these things we see इन आवर नाइबरहुड, हमारे पड़ोसी में ये सब देखने को मिलता है। पीपुल जिसको हम लोग लोग बोलते हैं, ओके, यानी कि हम लोग जिसको हम लोग ह्यूमन बींग्स होते हैं। एनिमल्स भी देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल काओ, डॉग, कैट, ये सब देखने को मिलता है कि नहीं। देन प्लांट्स, वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे पेड़ हमें देखने को मिलता है, हाँ कि नहीं। देन बसेस, बस में क्या करते हैं स्टूडेंट, ट्रैवल करते हैं, हाँ कि नहीं, ट्रैवल बाय बस। देन स्कूटर्स, स्कूटर में स्कूटर ड्राइव करते हैं कि नहीं, चलाते हैं। देन कार्स, कार भी चलाते हैं। देन हाउसेस, हाउसेस मीन्स घर, बहुत सारा घर है जो हमारे चारों ओर रहते हैं। देन बिल्डिंग्स, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है, हाँ कि नहीं। तो ऑल दिस थिंग्स वी सी इन आवर नेबरहुड, ये सब हम हमारे चारों ओर देखने को मिलता है और देखते हैं। ओके, सो पीपुल लिविंग अराउंड अस आर कॉल्ड आवर नेबरहुड, यानी कि जो लोग हमारे चारों ओर रहते हैं उसको हम लोग पड़ोसी बोलते हैं। वी शुड नेवर मिसबिहेव विथ आवर नेबर्स, वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल दैट दोज पीपुल हु लिव अराउंड अस और लिव अराउंड आवर हाउसेस, वी शुड नॉट मिसबिहेव विथ देम, उसके साथ हम लोग मिसबिहेव नहीं करना चाहिए हमारे पड़ोसियों के साथ। व्हाई, क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई वांट टू शो यू सम पिक्चर्स ऑफ नेबरहुड। ओके, कुछ पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ नेबरहुड गिवन बिलो। देयर इज ए पार्क, ए स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एंड पोस्ट ऑफिस इन द नेबरहुड। देखो, लुक एट द पेज नंबर 40, देख रहे हो स्टूडेंट, पेज नंबर 40, ये देख रहे हो, ये स्कूल है, देन हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, प्लेग्राउंड, मार्केट, बैंक, रोड, पार्क। ओके, तो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ नेबरहुड, ये पड़ोसी में ये सब रहते हैं कि नहीं। किसी किसी के घर के सामने में स्कूल रहता है, तो किसी किसी के सामने में हॉस्पिटल रहता है, तो किसी के घर के सामने पोस्ट ऑफिस, तो किसी के घर के सामने प्लेग्राउंड, फिर मार्केट, फिर बैंक रहता है, रोड रहता है, पार्क रहता है, रहता है कि नहीं। तो ये सब था तुम्हारा नेबरहुड का पिक्चर्स। ओके, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ सम नेबरहुड हु लिव इन आवर हाउस। ओके, तो वी शुड नॉट मिसबिहेव विथ देम, दैट मीन्स दोज हु आर आवर नेबर्स, जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज पड़ोसी जब भी हमें कुछ ट्रबल में होते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, वी कॉल द नेबरहुड, हम नेबरहुड को बुलाते हैं, पड़ोसी को बुलाते हैं, एंड दे हेल्प अस प्रॉपरली, हाँ कि नहीं, वो लोग हमें हेल्प करते हैं, इसलिए
और बहुत सारा काम में हम हेल्प करते हैं, इसलिए हम उनको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। किसको? हमारा पड़ोसी को। ओके, देन क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड। क्लीन मतलब क्या है? साफ। ग्रीन नेबरहुड, क्लीन एंड क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड, ग्रीन नेबरहुड। Clean and green neighborhood. इससे पहले उस यहाँ पे दिया गया है, देखो पेज नंबर 41, कि राइट एटलीस्ट 5 थिंग्स दैट यू थिंक आर नेसेसरी इन एन आइडियल नेबरहुड, यानी कि एक आइडियल नेबरहुड में कैसे लोग रहते हैं उसके बारे में यहाँ पे क्या लिखना है, 5 यानी कि थिंग्स लिखना है उसके बारे में। ओके, that next come to clean and green neighborhood. Clean and green neighborhood क्या है? We should always keep our neighborhood clean and green. हम हमारे पड़ोसी को हमेशा clean और green क्यों रखना चाहिए? Because green plants makes the surroundings air clean and fresh. Student, you know that हमारे चारों ओर बहुत सारा plants देखने को मिलता है, हमें पेड़ पौधे, और उस पेड़ पौधे से गेट द फ्रेश वाटर, फ्रेश या ये जो हवा यार जिसको बोलते हैं वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स मेक्स द सराउंडिंग्स यार क्लीन, यानी कि हमारे सराउंडिंग्स में वो क्या करता है? क्लीन यानी साफ रखता है और फ्रेश होता है, क्योंकि बहुत सारा यानी कि पेड़ होते हैं। देन क्लीन नेबरहुड कीप्स अस हेल्दी, नेबरहुड को क्लीन ही रखना चाहिए जिससे हम हेल्दी रह सकें। देन डार्टी एरियाज कैन मेक्स अस सिक, यानी कि कोई कोई लोग क्या करते हैं, पड़ोसी यानी कि सामने में अपना घर के सामने में ही वो लोग क्या करते हैं, क्लीन यानी कि साफ रखते हैं, और उनके चारों ओर जो घर रहता है उनके सामने में वो लोग क्या करते हैं, साफ नहीं करते। ठीक है, उससे क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, डार्टी थिंग्स आगे नहीं। इसीलिए हम सबको अपना समझ कर वही चारों ओर हमारा भी हमारे पड़ोसी में जितने भी हमारे घर के सामने जो जो रहते हैं उनके सामने में उसको क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। ठीक है, और उसको क्लीन रखना चाहिए। डार्टी एरियाज कैन मेक्स अस सिक, और जो डार्टी एरिया होता है उससे क्या होता है, हमें डार्टी एरिया में रहेंगे तो हम क्या होगा, बीमार होगा। इसीलिए वी शुड फॉलो द गिवन स्टेप फॉर मेकिंग सराउंडिंग ग्रीन, और हमारे सराउंडिंग को ग्रीन रखने के लिए हमें कुछ स्टेप अपनाना चाहिए। तो वो सब स्टेप कौन कौन सा है? प्लांट मोर ट्रीज टू मेक अवर नेबरहुड ग्रीन, तो प्लांट मोर ट्रीज टू मेक अवर नेबरहुड ग्रीन, यानी कि हम लोग हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारा क्या करना चाहिए, प्लांट्स लगाना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, जिससे हमारा सराउंडिंग्स भी क्लीन रहेगा, फ्रेश एयर मिलेगा हमें और हम लोग अच्छे से रह पाएंगे। ओके, then keep the area clean and green to stay healthy and fit. Keep the area clean, यानी कि हम जिस एरिया में रहते हैं हमारे घर के सामने उसको हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए, कभी भी डर्टी नहीं होने देना है उसको। ठीक है, जिससे हम हेल्दी रह सकें और फिट रह सकें। ओके, देन डू नॉट थ्रो द गार्बेज इन द स्ट्रीट एंड ऑन द रोड्स। स्टूडेंट्स, घर में हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं जब हम सब्जियां बनाते हैं तो सब्जियां जब क्लीन करते हैं तो जो वेस्ट थिंग होता है गार्बेज उसको क्या करते हैं, कोई कोई लेकर बाहर फेंक देते हैं। ओके, उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए, कोई कोई रोड में फेंक देते हैं, कोई यानी कि नाली में फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं इसको? इसको फेंकने से क्या होगा, गंदगी होगी, डाटी होगा, हमारे चारों को डाटी होगा, हाँ कि नहीं? इसलिए उसको बाहर नहीं फेंकना, उसको वहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारे सराउंडिंग क्लीन रहेगा। घर के सामने फेंक दोगे वो सड़ जाएगा, फिर बदबू आएगा, तो हमारे हमें ही तो नुकसान होगा, हाँ कि नहीं? इसीलिए हम उसको एक डस्टबिन में फेंकना चाहिए। देन ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन टू द डस्टबिन, और जितना भी वेस्ट थिंग निकलता है घर से वो सब हम डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये था कुछ स्टेप्स। वंस अगेन आई वांट टेल यू दैट प्लांट्स
मोर ट्री टू मेक अवर नेबरहुड ग्रीन देन कीप द एरिया क्लीन एंड ग्रीन टू स्टे हेल्दी एंड फिट देन डू नॉट थ्रो द गार्बेज इन द स्ट्रीट एंड ऑन द रोड देन ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन टू द डस्टबिन ओके दीज आर द स्टेप व्हिच इफ वी ओबे दीज स्टेप देन वी कैन मेक आवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन एंड वी कैन कीप अस फिट एंड हेल्दी ओके स्टूडेंट तो ये था तुम्हारा आवर सराउंडिंग्स ओके देर आर सम पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर इट द थिंग्स अराउंड अस आर द पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स देन द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड ओके देन पर्सन हु लिव इन आवर नेबरहुड आर कॉल्ड आवर नेबर्स उसको हम लोग नेबर्स होते हैं वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन देन वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री टू कीप द एयर क्लीन और एयर यानी कि हवा को साफ करने के लिए हम लोग जितना चाहे जितना हो सके उतना हमें पेड़ लगाना चाहिए जिससे हमें फ्रेश एयर मिल सकेगा और हम लोग हेल्दी और फिट रह सकेंगे ओके तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 आवर सराउंडिंग्स ओके चैप्टर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड ओके देन ओके स्टूडेंट नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चन आंसर कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ओके लुक एट द पेज नंबर 42 ईवीएस बुक का 42 नंबर पेज देखो ओके चैप्टर कंप्लीट हो गया है आवर सराउंडिंग्स तो ये जो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर ए टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या करना है इसमें टिक करना है तीन ऑप्शन दिया गया है वी शुड थ्रो द गार्बेज जो वेस्ट थिंग होता है गार्बेज को उसको कहाँ पर फेंकना चाहिए इन द पार्क इन द डस्टबिन ऑन द स्ट्रीट पार्क में फेंकना चाहिए डस्टबिन में फेंकना चाहिए और स्ट्रीट में फेंकना चाहिए कहाँ पर फेंकना चाहिए द राइट आंसर इज इन द डस्टबिन गार्बेज को कहाँ पर फेंकना चाहिए डस्टबिन तो बी नंबर में टिक करो ओके देन सेकेंड नंबर इज द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबर मार्केट नेबरहुड क्या होगा नेबरहुड होगा सी नंबर इज द राइट आंसर सी नंबर में राइट मारो ठीक है देन नंबर 3 वी बाय आवर यूजफुल थिंग्स फ्रॉम डेक्स हम लोग जो यूजफुल थिंग्स हमें ज़रूरत पड़ता है वो कहाँ से हमें खरीदना चाहिए स्कूल मार्केट हॉस्पिटल मार्केट से खरीदना चाहिए मार्केट में टिक करना है यानी कि बी नंबर इज द करेक्ट आंसर ओके देन नेक्स्ट कम टू बी नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स जो कि येलो बॉक्स में देख रहे हो ये इसमें ऑलरेडी आंसर दिया गया है यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द आंसर वी शुड क्वेश्चन नंबर 1 है वी शुड लिव इन ए डेक्स नेबरहुड कौन सा नेबरहुड में हमें रहना चाहिए क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड में रहना चाहिए क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड इज द करेक्ट आंसर ओके देन क्वेश्चन नंबर 2 क्लीन नेबरहुड कीप्स अस डेक्स क्लीन नेबरहुड में हम कैसे रह सकते हैं हेल्दी रह सकते हैं HELTHY हेल्दी होगा राइट आंसर देन पीपुल लिविंग अराउंड अस आर कॉल्ड आवर डेक्स नेबर्स क्या होगा नेबर्स होगा 3 नंबर्स देन डार्टी एरियाज कैन मेक्स अस डेक्स जो डार्टी एरिया होता है उसमें आगे रहेंगे वहाँ पर सामने तो क्या होगा सिक बीमार होंगे हम ओके तो सिक इज द राइट आंसर 4 का सिक होगा ओके वन सेकेंड आई वॉन्ट टू टेल यू वी शुड लिव इन ए क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड क्लीन नेबरहुड कीप्स अस हेल्दी पीपुल लिविंग अराउंड अस आर कॉल्ड आवर नेबर्स डार्टी एरियाज कैन मेक्स अस सिक ओके देन क्वेश्चन नंबर 3 राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल स्टेटमेंट जो ट्रू है उसको टी लिखना है जो फॉल्स है फॉल्स लिखना है एफ लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 ऑल द थिंग्स अराउंड अस फॉर्म ए पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स तो जितने भी चीज़ हम हमारे चारों ओर देखते हैं वो सराउंडिंग्स का एक पार्ट है ट्रू दैट मीन्स टी लिखना है वन नंबर टी होगा देन 2 नंबर वी शुड कीप आवर नेबरहुड डार्टी हमारा नेबरहुड यानी कि पड़ोसी को हम लोग डार्टी गंदा रखना चाहिए क्या नो दैट मीन फॉल्स होगा 2 नंबर फॉल्स एफ लिखना है एफ लिख ओके देन क्वेश्चन नंबर 3 पीपुल हु लिव इन आवर नेबरहुड जो हमारे पड़ोसी में रहते हैं दे आर कॉल्ड आवर नेबर्स उसको हम लोग नेबर्स बोलते हैं ठीक है ट्रू होगा ये टी लिखना है 3 नंबर टी लिखो देन 4 नंबर वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज हमें जितना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए ट्रू ओके देन क्वेश्चन नंबर
डी ओके क्वेश्चन नंबर डी पेज नंबर 43 देखो डी नंबर क्या है मैच द फॉलोइंग ओके क्या करना है मैच करना है इधर फोटो ऑप्शन दिया गया है इधर फोटो दिया गया है क्वेश्चन ठीक है तो वन नंबर का क्वेश्चन क्या है गार्बेज ट्रीज ऑल द थिंग्स अराउंड अस देन डर्टी एयर इधर फर्स्ट में दिया गया है मेक द एयर क्लीन मेक अ सिक देन डस्टबिन आवर सराउंडिंग्स तो गार्बेज गार्बेज को कहाँ पे फेंकना चाहिए डस्टबिन में फेंकना चाहिए तो वन का थर्ड के साथ होगा इसको इसके साथ मिलाना है वन थर्ड को मिलाना थर्ड के साथ मिलाना है ट्री ट्री क्या होगा ट्री मेक्स द एयर क्लीन ये फर्स्ट के साथ होगा ट्री फर्स्ट के साथ मिलाना है ठीक है ऑल द थिंग्स अराउंड अस यानी कि जितना भी थिंग्स हमारे चारों ओर देखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग आवर सराउंडिंग्स तो थर्ड या फोर्थ के साथ होगा ओके इसको इसके साथ मिलाना है देन डर्टी एयर से क्या होगा मैं बस सिक हम बीमार पड़ेंगे हाँ कि नहीं फिर एक बार बता दे रहा हूँ गार्बेज डस्टबिन ट्री मेक्स द एयर क्लीन ऑल द थिंग्स अराउंड अस आवर सराउंडिंग्स डर्टी एयर मेक्स अस सिक ओके चैप्टर इज कंप्लीटेड स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 समझ में आया होगा ओके थैंक यू